गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का जो डिबेंचर का टॉपिक चल रहा है आपका, इससे जो पहले वाले वीडियो क्लास में हमने आपको मीनिंग ऑफ डिबेंचर, करेक्टिटीज ऑफ डिबेंचर, इनके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि डिबेंचर कितने टाइप से इशू किया जाता है। ध्यान देना, इशू ऑफ डिबेंचरों को हम यहाँ पे इशू करना आपको बताएंगे कितने टाइप से, कितने काइंड से डिबेंचर को इशू किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स को इशू करना देख लिया था। तो ध्यान देना, शेयर को इशू किस प्रकार से किया गया था, एक तो एट पार था और सेकेंड था एट प्रीमियम। एक तो एट पार पे इशू किया गया था और एक इस पे इशू किया गया था एट प्रीमियम पे। यानी एक होती है आपकी शेयर्स की फेस या नॉमिनल वैल्यू। ध्यान देना, शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है, जैसे या तो 100 रुपीज हो गई या 10 रुपीज हो गई। तो अगर एक्चुअल में 10 रुपीज में या 100 रुपीज में शेयर को इशू किया जाएगा, नॉमिनल वैल्यू पे इशू किया जाएगा, तो इसे इशू क्या कहलाएगा, एट पार। यानी ऐसा इशू किस पे कहला दिया, एट पार पे। अब बात करते हैं एट प्रीमियम की। अगर फेस वैल्यू से मोर देन प्राइस पे हम शेयर को इशू कर रहे हैं, जैसे 110 में कर दिया और ये 12 में कर दिया, 15 में कर दिया, 17 में कर दिया, तो वो मोर देन प्राइस हो गई ऑफ फेस वैल्यू, ऐसा इशू क्या कहलाएगा, एट ए प्रीमियम पे इशू कहलाएगा। और इशू शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। अब बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर पे, बी कंटिन्यू। ध्यान देना, ये दोनों वापस आ जाएंगे शेयर को इशू करने पे। तो हम शेयर को इशू करेंगे, तो पहला है हमारे पास एट पार, सेकेंड है हमारे पास एट प्रीमियम और थर्ड है हमारे पास एट डिस्काउंट। दैट्स क्लियर। आपके पास सिर्फ ये एट डिस्काउंट का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वही नया है आपके लिए। एट पार और एट प्रीमियम का वही टॉपिक है जो हमने शेयर पे इश्यू किया था। ठीक है, वही बात वापस बता देता हूं। नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू पर ही अगर किसी डिबेंचर को इश्यू किया जाता है, ध्यान देना, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर ही किसी डिबेंचर को इश्यू किया जाता है, तो ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। क्लियर, देखना वापस, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, पहला है व्हेन कंपनी शेयर इश्यू, व्हेन कंपनी इश्यूड डिबेंचर आर एट नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, इट्स कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। ध्यान देना, जब कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को नॉमिनल प्राइस पे या फेस प्राइस पे, फेस वैल्यू पे ही उन डिबेंचर को पब्लिक में इश्यू करती है, तो ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। फॉर एग्जांपल, हंड्रेड रुपीज का या 10 रुपीज का कोई डिबेंचर है, एक
ईच वैल्यू है, ठीक है, और टोटल डिवेंचर, डिवेंचर हमारे पास 1000, डिवेंचर कितने हैं 1000, तो कंपनी क्या करती है 1000 डिवेंचर्स को या तो 100 रुपीज में इश्यू करेगी या कितने में इश्यू करेगी 10 रुपीज में इश्यू करेगी। ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा एट पार, ध्यान देना, जब कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर्स को उनके एक्चुअल प्राइस पे, फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे ही इश्यू करती है तो ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा इश्यू एट पार। अपन देखना व्हेन द कंपनी आर ऑन डिवेंचर, अपने डिवेंचर को आर इश्यूड एट नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, इट्स इश्यू एट पार, ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। दैट्स क्लियर, ठीक है, और एंट्रियां वही होगी जो हमने सेल्स के तौर पे एंट्रियां की थी, एंट्रियां आगे बताई जाएगी आपको। अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक क्या है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम का देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से इश्यू किया जाएगा। तो ध्यान देखना, इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर, यहां है अपना दूसरा टॉपिक इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, डिवेंचरों को इश्यू किया जाएगा, डिवेंचर्स को इश्यू किया जाएगा किस पे, प्रीमियम पे। When the company issued डिवेंचर आर मोर देन प्राइस ऑफ नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, इट्स कॉल्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। बी कंटिन्यू, ध्यान देना, जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इश्यू किया जाएगा तो उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डिवेंचर को प्रीमियम पे इश्यू किया गया है। ध्यान देना, प्रीमियम का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से ज्यादा मांगना, यानी अपनी एक्चुअल जो प्राइस थी, जो फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य, कहने का मतलब कोई मार्केट में, जैसे ये पेन है आपके सामने, इस पेन की मार्केट में अगर 25 रुपीज है, वैल्यू क्या है इसकी 25 रुपए की है, इस पे आपने बिल्कुल राइट किया हुआ है कि इसका अंकित मूल्य फेस वैल्यू 25 है, लेकिन आपसे शॉप कीपर इसके 28 रुपीज मांगता है मार्केट में, 28 रुपए मांगता है, 29 मांग लिया, 30 रुपीज मांग लेता है, कोल्ड करता आपसे, तो जितना वो ज्यादा ले रहा है, जितना वो अमाउंट ज्यादा ले रहा है, वो अमाउंट किसके यहाँ पे प्रीमियम की है, वो अपने बेनिफिट के लिए लेता है। तो कंपनी भी क्या करती है, अपने बेनिफिट के लिए जो अपने डिवेंचर्स है, जो शेयर है, उनको प्रीमियम पे इश्यू करती है। जब कंपनी अपने नॉमिनल प्राइस पे या फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे मोर देन प्राइस, और ज्यादा मूल्य मांगेगा, और ज्यादा उसे कोल्ड करेगा, ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम पे। फॉर एग्जाम्पल बात लेते हैं हम यहाँ पे, हमारा तो 1500 डिवेंचर था, 1500 डिवेंचर था, हमने उसको इश्यू किया कि फेस वैल्यू कितने यहाँ पे 10 रुपीज फेस वैल्यू है, और उसको इश्यू कितने में किया हमने 2 रुपये प्रीमियम पे इश्यू किया। कहने का मतलब जो यहाँ पे जो फेस वैल्यू आ रही है, वो फेस वैल्यू कितनी आ रही है 10 रुपीज है यहाँ पे, और जो प्रीमियम है इस फेस वैल्यू में क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, यहाँ पे आ गई
प्रीमियम 2 रुपीज एड हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास 12 रुपीज हो गया। तो ये जो टोटल है अमाउंट है, ठीक है, और हमने कितना मोर देन प्राइस किया फेस वैल्यू से, वो किया हमने 2 रुपीज, तो ये 2 रुपीज क्या यहाँ पे प्रीमियम है। When the company are issued a debenture at more than price of face value, जब फेस वैल्यू मोर देन प्राइस पे निकालती है तो ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम। अब ध्यान देना, जितना ये 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से जितना पैसा कलेक्ट हुआ, उस पैसे को कंपनी कौन से अकाउंट में राइट करेगी, उसको पैसे को कहाँ लेके जाएगी, देखते हैं बात। अब ध्यान देना, इसमें जैसे कंपनी के जो डिबेंचर थे वो 1500 थे, और 2 के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 3000, 3000 रुपए आए। अब कंपनी इन पैसे को कहां पे राइट करेगी, इन पैसे को कहां पे राइट करेगी, ध्यान देना, प्रीमियम। जो प्रीमियम कंपनी के पास आएगा, जितना मोर देन प्राइस आएगा, उस प्रीमियम के लिए कंपनी अपना एक अकाउंट ओपन करेगी, जिसको बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेम एज इट, जैसे हमने शेयर्स पे ओपन किया था, वैसे ही प्रीमियम भी डिबेंचर्स, जो डिबेंचर पे जितना प्रीमियम कलेक्ट होगा उसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहां क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। उस प्रीमियम की जितनी डिजिट, जितनी अमाउंट आएगी, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ओपन कर दिया जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रीमियम की जितने भी अमाउंट कलेक्ट होगी उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के क्रेडिट में शो कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम एट डिस्काउंट की, बी कंटिन्यू, लास्ट तक वीडियो को वॉच करोगे तभी आपके एक्सप्लेन में समझ में आएगा, नहीं तो आपके बीच में ही क्वेश्चन अटक जाएगा, ध्यान देना। अब लेते हैं हम थर्ड पॉइंट हमारे पास है एड डिस्काउंट। हम इन दोनों पॉइंटों की बात करते हैं, एड पार और एड प्रीमियम। जैसे शेयर्स पे इश्यू किया था वैसे ही डिबेंचर पे इश्यू है, बट जो शेयर्स की बात हो रही थी डिस्काउंट पे वो क्या इश्यू नहीं हो रहे थे। एक नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे कौन से शेयर हैं जिन्हें डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है, तो वो शेयर है स्वेट इक्विटी शेयर, ध्यान देना, स्वेट इक्विटी शेयर को ही डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जाएगा। अब डिस्काउंट, ध्यान देना, डिस्काउंट का मतलब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे छूट। डिस्काउंट का मींस क्या हो गया, छूट, यानी जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, उससे जो क्या करेगी कंपनी, कोल्ड कम वैल्यू पे करेगी, ध्यान देना। जैसे 100 या 10 रुपीज का एक डिबेंचर की वैल्यू है, तो कंपनी क्या करेगी, इसमें थोड़ा डिस्काउंट करेगी, तो 100 को हमने कर दिया 95 में कर दिया, या 90 रुपीज में इसको डिबेंचर को इशू कर दिया, 10 को 8 रुपए में इशू कर दिया, या 7 रुपए में इशू कर दिया। तो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द कंपनी आर इशू डिबेंचर एट लेस देन प्राइस ऑफ फेस वैल्यू, ध्यान देना इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, व्हेन द कंपनी इशूड डिबेंचर लेस देन प्राइस ऑफ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, इट्स कॉल्ड इश्यू एट इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर एट डिस्काउंट। अगली बात, जब कंपनी अपने डिबेंचर को फेस वैल्यू से या जो नॉमिनल वैल्यू है उसके कम प्राइस पे, लेस देन प्राइस पे इश्यू करेगी, तो ऐसा इश्यू क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट। अब बात करते हैं, जितना हमने कम प्राइस कलेक्ट किया था वो कम प्राइस बिजनेस के क्या, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब जितना डिस्काउंट हमने इशू किया था, डिस्काउंट पे शेयर इशू किए थे, ये लॉस हुआ था, तो इस लॉस को कौन से अकाउंट में राइट किया जाता है और उस अकाउंट के किस साइड राइट किया जाता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, तो ध्यान देना। यहाँ पे बात करते हैं, हमने किस पे इशू किया, डिस्काउंट पे,
हमने सेल्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया है, जितना डिस्काउंट अमाउंट हमारी कलेक्ट होती है उसके लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है और उस अकाउंट का नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ध्यान देना, उस अकाउंट को राइट करेंगे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये उसका नाम हो जाएगा। डिबेंचर्स पे जितना डिस्काउंट दिया था हमने, उस डिस्काउंट के अमाउंट को कौन से अकाउंट में कलेक्ट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट, जो अकाउंट है उसमें कलेक्ट कर लिया जाएगा। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड राइट कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। वापस देखना, एट पार प्रीमियम सेम एंट्री है एज जो सेल्स पे किया था, एट प्रीमियम प्रीमियम की सेम एंट्री है, प्रीमियम पे जितना अमाउंट कलेक्ट किया था उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन कर देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट में शो किया जा रहा था। अब बात आ रही है डिस्काउंट पे, ये आपके नया पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। डिस्काउंट का मतलब जो वैल्यू है वो लेस देन प्राइस पे कलेक्ट की जाएगी, और उसके लिए अकाउंट कौन सा ओपन किया जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन किया जाएगा। That's clear? ठीक है भाई, वी कंटिन्यू, आगे बने रहिए। हम अब इससे रिलेटेड जो एंट्रीज है उन एंट्रियों के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। वी कंटिन्यू, आगे चलते हैं। अब हम डिबेंचर की जो जनरल एंट्री है उनको टैली करते हैं। ध्यान देना, एंट्री एंट्रीज ऑफ डिबेंचर, जनरल एंट्री से जो डिबेंचर से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज है सेम एज इट जो आपकी शेयर्स पे थी वो की वो किससे रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है। ध्यान देना डिबेंचर को, एक चीज और ध्यान देना, हमारे पास एक तो ये था शेयर्स था और एक हमारे पास डिबेंचर, एक तो शेयर है और एक क्या है हमारे पास डिबेंचर्स है। शेयर्स तो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, शेयर क्या होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, और डिबेंचर क्या होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। शेयर्स कंपनी के ओनर होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं कंपनी के हेड, डिबेंचर क्या होते हैं कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। अगर शेयर ओनर है, ध्यान देना शेयर ओनर है तो शेयर्स का जो बनेगा वो किस में जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि ओनर है, ओनर किस से जाएगा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होगा। कहने का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बट यहाँ पे डिबेंचर क्या हो गया, एक क्रेडिटर है यानी डिबेंचर एक लोनर है, लोन प्रोवाइड करवाता है कंपनी को, ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर ही नाम आएगा, डिबेंचर को डिबेंचर में ही शो किया जाएगा। ध्यान देना, हमने जो एंट्री की थी जो शेयर की फर्स्ट ऑफ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, यानी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ क्या जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन। ध्यान देना, बी कंटिन्यू, इसको ध्यान रखोगे आप, हमारी जो एंट्री आ रही है पहली एंट्री डिबेंचर मनी रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिबेंचर पे जो एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव हो रही है सेम एज इट जो हमने शेयर्स पे किया था वो की वो सेम एज इट एंट्री है यहाँ पे होगी, बस थोड़ा सा शेयर्स के जगह क्या नाम आ जाएगा डिबेंचर है हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेल्स में क्या हो रहा था हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो रहा था, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर नाम आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर नाम आ जाएगा, और यहाँ पे डेबिट में डेबिट की अमाउंट आ जाएगी, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। बात करते हैं हम नरेशन की, तो नरेशन में क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ एप्लीकेशन का पैसा क्या हो गया हमारे पास रिसीव
हो गया। ध्यान देना, हमने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास रिसीव्ड हुआ है। अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, डिबेंचर में किया जाएगा। शेयर की एंट्री क्या हो रही थी यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या कहा था मैंने स्टार्टिंग में, जो डिबेंचर है वो क्रेडिटर है, वो लोनर में ट्रांसफर होते हैं, क्रेडिटर है क्रेडिटर में ट्रांसफर होते हैं, यहाँ ओनर नहीं है, तो वहाँ एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर जो डिबेंचर एप्लीकेशन है इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए डेबिट किया जाएगा। क्या एंट्री हो गई, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट। ध्यान देना, हमारी जो ट्रांसफर की एंट्री होगी वो क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज जो है इस पे हमने पहले कहा था आपको, डिबेंचर पे एक फिक्स परसेंट से इंटरेस्ट की वैल्यू दी रहती है, चार्ज किया जाता है, क्योंकि डिबेंचर का मतलब क्या होता है, टेकन ए लोन बाई कंपनी, और जो लोन टेकन किया जाएगा कंपनी के द्वारा उस पे डिबेंचर की जो फिक्स रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो चार्ज होगी, उसका नाम यहाँ पे शो होगा, तो उसका नाम हमें यहाँ पे शो किया जा रहा है 2% डिबेंचर। और इसका जो नरेशन होगा क्या जाएगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर किसमें कर दिया हमने, डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया है। दैट्स क्लियर। थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी, एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव हुआ तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसको ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब लेते हैं, बात करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। ध्यान देना, अलॉटमेंट की एंट्री एज इट शेयर्स, शेयर्स की एंट्री क्या होती, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उससे रिलेटेड ही हमारी है, जो किसकी हो जाएगी, अलॉटमेंट की हो जाएगी। ध्यान देना, अलॉटमेंट की कैसे कर रहे हैं अपन, अगला हमारे पास आ रहा है अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट की मनी अभी ड्यू है, बाकी है एरर है, अब हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो शेयर में क्या था, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहां क्या जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया हमारे यहाँ पे, एरर है या ड्यू है अभी तक, ठीक है, अमाउंट में अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। ध्यान देना, अलॉटमेंट की मनी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ड्यू है, तो उसकी जो जनरल एंट्री की थी हमने, शेयर्स की क्या की थी यहाँ पे, तो शेयर्स का क्या था, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या आएगा, सिर्फ डिबेंचर आएगा, बिकॉज डिबेंचर आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी, कंपनी के ये क्रेडिटर है, और क्रेडिटर कभी भी ओनर नहीं होता। That's clear. अब इसका जो पैसा आएगा वो अभी तो ड्यू है, अब क्या होगा इसका पैसा, अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा, रिसीव होगा, तो ये हो जाएगा अगला हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, रिसीव होगा। जैसे शेयर्स पे किया था हमने, क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वैसे डिबेंचर का पैसा भी सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ इन हो जाएगा, कहाँ रिसीव होगा, सीधा बैंक में जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर जो बैंक है उसको डेबिट कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया जाएगा, और इसका पैसा कलेक्ट हो रहा है बैंक में, उसके अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका पैसा कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट का, तो यहाँ हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट,
डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है, यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट एबी टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। दैट्स क्लियर। नरेशन क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, नरेशन हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड या अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ध्यान देना दोबारा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर का जैसे शेयर की गई थी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये आ गया शेयर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, पैसा रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। दैट्स क्लियर। ऐसे ही करेंगे हम, हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है उन एंट्रियों को भी ऐसे ही शो किया जाएगा। तो ध्यान देना, एक साथ कर रहा हूं मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो एंट्री है। अब करते हैं हम, थर्ड है हमारी कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू कौन कौन सी कॉल मनी है यहां पे ले लेता हूं मैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक साथ ही किया जा रहा है यहां पे। शेयर पे अलग अलग थी, डिवेंचर पे भी अलग अलग होती है, बट मैं यहां पे जनरल एंट्रीज को कंपाउंड में कर रहा हूं आपको, तो ध्यान देना बी कंटिन्यू। ठीक है, अलॉटमेंट कॉल मनी का पैसा क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्यू हो रहा है। जैसे हमने फर्स्ट कॉल, सपोज करो आप फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है शेयर्स पे, तो शेयर्स की एंट्री क्या थी, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे सेकंड कॉल की क्या थी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और पैसा बैंक में रिसीव हो रहा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे कंपाउंड एंट्री की जा रही है, तो जिसका ड्यू है उसका राइट कर दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ध्यान देना डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। बी कंटिन्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक साथ ही कर लिया हमने, तो क्या होगा, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। नरेशन क्या हो गया, अमाउंट ऑफ कॉल मनी का पैसा क्या है, ड्यू है। अमाउंट ऑफ कॉल मनी ड्यू की कॉल मनी का पैसा क्या है, अभी तक ड्यू है। अब इसके चलते हैं कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी का पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव की एंट्री कोई सीधा पैसा कहाँ जाएगा हमारा, बैंक में चला जाएगा। तो बैंक में जाएगा तो क्या पोस्टिंग की जाएगी, बैंक को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान देना यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा रिसीव हो रहा है, अलॉट डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो यहां लिखना पड़ेगा टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, उसका पैसा में यहां क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इसकी जो नरेशन है उसका क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी का पैसा क्या हो गया हमें, रिसीव हो गया। दैट्स क्लियर। फर्स्ट की थी हमने एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ट्रांसफर की थी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगली क्या की थी हमने, अलॉटमेंट की थी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, रिसीव हो रहा था पैसा उसकी क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ऐसे ही कॉल मनी कर रहे हैं तो डी की क्या कर रहे हैं, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, पैसा रिसीव होगा तो उसकी क्या की थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज फर्स्ट एंड डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। दैट्स क्लियर।
आई सपोज मैं सपोज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बताया हमने, थ्योरेटिकल हमने जनरल एंट्री बताई थी, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तभी आपकी ये जनरल एंट्रियाँ क्लियर होगी। जैसे जैसे हमने शेयर की एंट्री की थी वैसे वैसे इसकी डिवेंचर की एंट्री है। अब डिवेंचर की जो एंट्री आएगी एट पर की जो एंट्री होगी एट प्रीमियम की और ये डिस्काउंट की एंट्री है, वो आपको आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तब तक के इस वीडियो को आप आसानी से देखें, समझें, कोशिश करें। थैंक यू सो मच।